अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जरीन। आप देख रहे हैं जरीन किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे चीज़ी मसाला मैगी। चीज़ी मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पैकेट मैगी, 1 टेबलस्पून मटर, 1 टेबलस्पून गाजर, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च और 1 छोटा साइज का प्याज। सब्जियाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक। नमक हम इसमें कमी डालेंगे क्योंकि चीज़ में और मैगी मसाले में नमक होता है। 2 छोटे साइज के टमाटर, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 2 चीज़ स्लाइस, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने लो फ्लेम पर पैन रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना तेल। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को इसमें कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हल्का सा गुलाबी रंग आने तक इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज इसमें हल्की सी गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम सारी सब्जियां। सब्जियों को भी इसमें 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सब्जियां भी इसमें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियों को भी इसमें पकते 2 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर टमाटर गलने तक 2 मिनट पका लेंगे। टमाटर को पकते 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए खोलकर देखते हैं। ये देखिए टमाटर इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये गल भी गए हैं। अब इसमें डाल देंगे मैगी में जो मसाले का पैकेट आता है वो इसमें डाल देंगे। ये छोटे छोटे हाथ देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। ये है जी मेरी सारा, क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी थी इसलिए वो मेरी हेल्प करने आई थी और सारी रेसिपी उसी ने बनाई है। मसाले को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया करीब 3 कप पानी, क्योंकि 1 मैगी के लिए 1.5 कप पानी लगता है इसलिए मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया है। मैंने इसे ढककर उबलने के लिए रख दिया था। अरे देखिए पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें डाल देंगे मैगी। मैगी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसका सारा पानी सूखने तक इसे पका लेंगे। इस तरह मैगी को तोड़ते हुए मिक्स करेंगे। पानी अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें नमक को टेस्ट करके देख लेंगे, अगर नमक कम लगा तो इसी टाइम डाल देंगे। ये देखिए मैगी अच्छे से पक चुकी है, इसका सारा पानी भी अच्छे से सूख चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चीज़ स्लाइस और इसे ढककर चीज़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे। ये देखिए चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, फिर इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी हमारी चीज़ी मसाला मैगी बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।